हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्ची और प्याज की सब्जी। तो एक बड़ा चम्मच तेल ले लिए, उसमें शिमला मिर्ची और प्याज को फ्राई कर लिए। हल्का फ्राई करना है, उसके बाद उसको प्लेट में निकाल लिए और उसी कढ़ाई में तेल डाल के तेज पत्ता और जीरा तड़कने के लिए रखें। इसमें अब बारीक कटा हुआ प्याज फ्राई करेंगे। और इसमें बेसन थोड़ा सा डालें। लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला और धनिया पाउडर सबको मिक्स कर देंगे। और बारीक कटा हुआ टमाटर और प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा चलाएंगे इसको। उसके बाद ढक देंगे। देखिए पूरा तेल ऊपर में आ गया है और कितना सुंदर कलर आया इसमें। अब आंच धीमी करके थोड़ा सा दही मिलाएंगे इसमें। अब इसमें फ्राई किया हुआ शिमला मिर्ची और प्याज ऐड करेंगे। और दो लाल मिर्ची कटी हुई डाल के इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बाद इसको खोलते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा बनके रेडी हो गया है, हमारी शिमला मिर्ची और प्याज की सब्जी। थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक बार आप भी ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए।